हाय एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से झारखंड में कहीं आने जाने के लिए, अभी लॉकडाउन का टाइम है और जैसा कि आपको पता है आप कहीं भी बिना पास का निकल नहीं सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आप कोई भी पास बना सकते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है www.epassjharkhand.nic.in लिखना है, ठीक है। ये लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। आप जैसे सर्च करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको तीन लिंक देगा, ठीक है। तो आप जो सबसे ऊपर वाला जो लिंक है उस लिंक को सर्वर वन को क्लिक करोगे। तो जैसे ही सर्वर वन को आप क्लिक करोगे ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ एक न्यू पेज ओपन हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पर, अब फिर उसी नंबर को यहाँ कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपको ऐसा लिखना है कि एक जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब इसमें होना चाहिए। आप ही का आपका जो नाम है उस नाम को लिख लेकिन आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखिएगा, ठीक है। वह था आप एड ग्रेड लिख दीजिएगा, उस पर कोई नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सेम इसी को आपको कंफर्म करना है यहाँ पे। तो जो पासवर्ड यहाँ पे लिखे उसी पासवर्ड को सेम आप लिख दीजिए। अब पासवर्ड अगर लिखने में बताऊँ तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपका कोई नाम, जैसे आपका नाम कुंदन है तो कुंदन का के आप कैपिटल रखो, बाकी सबको स्मॉल कर दो, फिर एक एड ग्रेड का जो होता है वो दे दो, फिर कोई नंबर दे दो, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपली आप सबमिट कर दो यहाँ पर। तो मैंने सबमिट कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड काइंडली लॉग इन एंड अप्लाई फॉर ई पास, ठीक है। आप रजिस्टर कर चुके हो, अब आपको अप्लाई करना है ई पास के लिए। तो आप यहाँ पे ओके कर दो। जैसे ओके कर दो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो आप जिस नंबर से अपने ई पास बनाए हो लॉग इन की, वो नंबर दे दो। यहाँ पर अपना पासपोर्ट डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर जो को नंबर है उस नंबर को यहाँ लिखना है, नंबर है 6432, लिख दिया। अब सिंपली आप यहाँ पे लॉग इन कर दो। जैसे लॉग इन करोगे कुछ टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आपका यूजर प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को डिटेल लिखना है। जैसे आपका जो नाम है उस वो नाम लिख दो, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिख दो, अपना फादर्स का नाम, ठीक है। उसके बाद आप जेंडर चूज कर लो। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो मैं अपना एड्रेस लिख दिया, अपने घर का एड्रेस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है। फिर आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ सेव कर दिया। आप देख सकते हो बोल रहा है कि योर प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अब इसको सिंपली ओके कर दो। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोफाइल है वो 79% क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल दिख रहा है उसको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर जो है अपडेट आईडी, ठीक है। आपको देखो ई पास बनाने के लिए कोई एक आईडी लगेगा, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप वोटर आईडी डालना चाहते हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर ये आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड पर क्लिक किया। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो आप जैसे ही अपना आधार कार्ड का नंबर दे दोगे आप सीधे यहाँ पे सेव करना है। तो सेव कर दिया, आप यहाँ पर लिखा है आपका योर रिकॉर्ड अपडेट, आपका जो भी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है।
अब आप देखो आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको आपका ई पास के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप ई पास के लिए अप्लाई करोगे, तो ई पास पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर ई पास है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो, अब बोल रहा है सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको पास चाहिए। तो मुझे बोकारो के लिए चाहिए, तो मैंने बोकारो क्लिक किया। अब आपको झारखंड से बाहर जाना है या डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना है या आपका अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही घूमना है, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मुझे घूमना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, सिंपली इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस है उसको यहाँ लिखना है। आप जैसे मैं डाला हूँ विद इन इन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो आप डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में कहाँ कहाँ जा सकते हो तो वो आप लिख दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको ई पास का कैटेगरी लिखना है कि आपको किस लिए चाहिए, आप ओनर हो या एम्प्लॉई हो पेट्रोल पंप का, मतलब जो भी हो जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए। आप जैसे शादी के लिए जा रहे हो, शादी के लिए कर सकते हो, मीडिया वाले हो तो मीडिया वाले के लिए कर सकते हो। जैसे मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, तो मैं ओनर एम्प्लॉई ऑफ शॉप सेलिंग फ्रूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कर दिया। आप जिसके लिए भी चाहते हो वो कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप जर्नी करो कि आपको सिर्फ जाना है, जाके आना भी है, तो मुझे जाना है, जाना के जाके आना भी है। आप किस दिन से करना चाहते हो, इसमें 18 तारीख से करना सकता हूँ तो 18 तारीख कर दिया। कब तक करना चाहते हो, तो मैं 26 मई तक कर सकते हैं, करना चाहता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक सप्ताह के लिए या 15 दिन के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, उतना दिन ही इसकी वैलिडिटी है। फिर आप कितना बजे से निकलोगे घर से, तो मैं 8 बजे निकलूँगा। कितना बजे तक घर आ सकते हो, तो मैं शाम को 6 बजे तक कर दिया, ठीक है। आप व्हीकल चूज कर लो, व्हीकल क्या है आपका, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो मेरा टू व्हीलर है, तो मैं टू व्हीलर दे दिया, ठीक है। आप कितना आदमी जा सकते हो, एक ही आदमी करना है तो एक आदमी कर दिया। फिर आपका गाड़ी का जो नंबर है वो नंबर को यहाँ पे दे दो, तो मैंने ये दे दिया नंबर। अब यहाँ पे जितना भी डिक्लेरेशन है उसको सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देख सकते हो, प्रोसीड करने के बाद बोल रहा है योर सर्टिफिकेट फॉर ई पास हैज जनरेटेड सक्सेसफुली, मतलब जो आपका ई पास है वो जनरेट हो चुका है, तो आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। अब आपको देखना है आपका ई पास हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो आप सिंपली जो ई पास यहाँ पे है उसको क्लिक करो और व्यू ई पास में जाओ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिखा रहा है डिटेल में, ठीक है। आप इसको जो डाउनलोड करना है तो फिर से आप ई पास में जाओ, यहाँ पे डाउनलोड ई पास है, तो डाउनलोड ई पास को क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे व्यू में जाना है, व्यू करो, देख सकते हो जो आपका मेरा जो ये है ई पास है वो कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो पे, थैंक यू।